press the bell icon on the YouTube app and never. उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से वो जिहाद के बारे में बात उठी थी, फिर हुक्का पानी उन लोगों का बंद करने के बारे में बात कांग्रेस की तरफ से उठी थी जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। उसके बाद फिर धर्मों के आधार पर राजनीति करवाने का चलन नेहरू से लेकर के राहुल गांधी ने चलाने की पूरी साजिश रची थी। उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ, परिणाम आया और कांग्रेस जो है वो 99 पे ऑल आउट हो गई। हम भारतीय जनता पार्टी की अकेले दमखम पर और एंटी कम्बेंसी होने के बावजूद भी 240 सीटें हमारी आई। हार बर्दाश्त, हारते हारते इंसान थक जाता है ना, पर राहुल गांधी जो एक्चुअली में थके नहीं है क्योंकि अपनी माँ सोनिया एंटोनियो के सपने को, उन अपनी माँ के लोभ को, अपनी माँ की लाल। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के लेटेस्ट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे भारत की बहादुर बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िला खान जी का दमदार इंटरव्यू, जिसमें वो बात करेंगी कैसे दाढ़ी टोपी वाले उनको जान से मारने की धमकियां देते हैं और बात करेंगी वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान मेरा तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुसलमान बेटी का भी मुसलमान मर्दों ने दिया। अगर मेरा तो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक मुसलमान बेटी का भी मुसलमान मर्दों ने कर डाला। कसूर कसूर क्या है आपका, कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं सच बोलती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को आईना दिखाती हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमान मर्दों को कहती हूँ कि 6 साल की बच्ची में औरत मत ढूंढो। मेरा कसूर यह है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के मुसलमान बनो, मुल्ला के मुसलमान मत बनो। मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि तुम शिक्षित हो जाओ। मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि हाथ में पत्थर ना लो, कलम ले लो। मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमानों को ये कहती हूँ कि शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमान बेटियों को कहती हूँ कि लफ्ज इकरा को फॉलो करो, हिजाब को नहीं। मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि बलात्कार इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। मौलाना मौलाना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 501 रुपया दो, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद 501 रुपया दो, अशहदु अल्ला इलाहा 501 रुपया दो। मौलाना क्या है? वो तो 501 रुपए के लिए आयत बिक्री करता है। अगर अगर आपके खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जो मजहबी लोग हैं, इमाम हैं, जो अगर ये मिलजुल के आपके खिलाफ कोई फतवा जारी कर देते हैं तो फिर आप क्या करेंगी? अपनी जुत्ती के नीचे उस फतवे को मसल दूंगी, क्योंकि मेरा देश संवैधानिक देश है। कि टेररिस्ट वगैरह से कनेक्शन है, ऐसे लोगों को राहुल गांधी जी ने मेरे पीछे लगवाया है और हो सकता है कि मेरा हो सकता है कि मेरा गैंग जाए, हो सकता है कि मेरे हाथ पैर जाए मुझे मुझे मेरी जुबान को बंद करने के लिए। लेकिन मुझे इस देश के 82.7% सनातनियों पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे और भगवान का आशीर्वाद, मेरी माँ की जितनी भी दुआएं हैं और अल्लाह तबारक ताला का साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा। कई बार पूछा भी गया है कि आप क्या इस्लाम छोड़ने वाली, मैंने किसी के बाप की ताकत नहीं है कि मुझे इस्लाम छोड़वा दे। कोई अभी अभी पैदा ही नहीं हुआ है उस माँ के कोख से जो मुझे इस्लाम छोड़वा दे। किसी के पास अल्लाह की चिट्ठी आई है क्या मुझे दिखाए? मैंने इस बात को कई बार रखा है अपने सबके सामने। हाँ लेकिन मैं नौटंकी नहीं कर सकती हूँ, मैं जबरदस्ती का हिजाब पहनूं, मैं जबरदस्ती का लोगों के सामने नमाज पढ़ूं, जैसे असदुद्दीन अवैसी फ्लाइट में नमाज पढ़ता है और उसके बाद फिर वीडियो करवा करके सबको वायरल करवाता है कि वो फ्लाइट में नमाज पढ़ रहा था। तो ये सब नौटंकीबाजी मैं नहीं कर सकती। एक बहुत ही खास मुद्दा है, उसके ऊपर आपसे बात करनी है। देखिए जुल्म जो होता है वो एक तो जुल्म होना, जुल्म करने वाला और एक जुल्म के ऊपर चुप रहने वाला, ये मेरे ख्याल में ये बराबर ही होते हैं। तो भारत के अंदर से जो बांग्लादेश के जो हिंदू हमारे भाई बहन हैं उनके ऊपर जो जुल्म और सितम वहाँ पर हो रहा है, जिस तरीके से
उनका मैं समझाऊं कत्लेआम किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, वहां पर मंदिरों को डिमोलिश किया गया। एक तो एक वहां पर ना तो हिंदुओं का इस जो तख्ता पलट हुआ उसके अंदर कोई लेना देना था, तो ये एक तो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ उसके ऊपर एक तो बात नहीं हुई भारत के अंदर से, किसी ने कोई खास आवाज नहीं उठाई। खास तौर पर मैं अपोजिशन जमातों की बात करूंगा, किसी ने भी कोई इस चीज को कंडेम नहीं किया। और दूसरा, मैं आप क्या समझती है कि ये जो लोग चुप हैं वहां पर, ये किसी खास वजह की बिना पर चुप हैं, या आप इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट भी देख रही हैं कि वहां पर ये इनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस सारे काम के अंदर? हमारे देश में जब से 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो लोकसभा इलेक्शन होने से तकरीबन 6 महीने पहले से जाति जनगणना कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी जी ने उठाई थी। उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से वोट जिहाद के बारे में बात उठी थी, फिर हुक्का पानी उन लोगों का बंद करने के बारे में बात कांग्रेस की तरफ से उठी थी जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। उसके बाद फिर धर्मों के आधार पर राजनीति करवाने का चलन नेहरू से लेकर के राहुल गांधी ने चलाने की पूरी साजिश रची थी। उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ, परिणाम आया और कांग्रेस जो है वो 99 पे ऑल आउट हो गई। हम भारतीय जनता पार्टी की अकेले दमखम पर और एंटी कम्बेंसी होने के बावजूद भी 240 सीटें हमारी आई। हार बर्दाश्त, हारते हारते इंसान थक जाता है ना, पर राहुल गांधी जो एक्चुअली में थके नहीं है, क्योंकि अपनी माँ सोनिया एंटोनियो के सपने को, उन अपनी माँ के लोभ को, अपनी माँ की लालसा को, अपनी माँ की लालच को पूरा करने के चक्कर में इतने नीचे गिर चुके हैं कि अब वो मनुष्य इंसानियत जो है ना वो उनकी खत्म हो। पिछले कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते राहुल गांधी जी कभी भी जनता के हित में कोई बात संसद के पटल पर नहीं रख रहे थे। कभी कह रहे थे कि इस्लाम में अभय मुद्रा होता है, कभी कह रहे थे कि मस्जिद में कोई भी जा सकता है, कभी कह रहे थे कि चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, कभी कह रहे थे कि हिंदू हिंसक होता है, कभी कह रहे थे कि हिंदू नफरती हो रहा होता है, कभी कह रहे थे कि शिव की बारात में सबने नगाड़े बजाए हैं और सबने खाना खाया है। तो ऐसे वैसे करके वो अपनी बात को आधी अधूरी रख रहे थे, पर वो आधी अधूरी बात जो है वो पिछले 27 घंटे पहले सामने खुलकर आई, जब बांग्लादेश का ही एक पत्रकार सामने आकर के अपने तथ्य और सत्य के आधार पर ये कह उठा कि खालिदा जिया के बेटे से राहुल गांधी जी की कई बार मुलाकात हुई है, और खालिदा जिया वो जो टेररिज्म एक्टिविटीज के घिनौने अपराध में 17 साल की सजा बांग्लादेश के जेल में खट रही थी। आश्चर्य तब भी हुआ था कि वो राहुल गांधी जो गाजा और फलस्तीन जैसे आतंकी बलात्कारी जिहादी मुसलमानों के लिए दिन भर में 5-5 ट्वीट करते थे, बलात्कारी और जिहादी मुसलमानों के फेवर में 5-5 ट्वीट करते थे और अचानक से गायब। मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं की बहु बेटियों के सलवार खोले जा रहे हैं, मंदिरें जलाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, और बुरे तरीके से हिंदू होने की सजा दी जा रही है मुसलमानों के हाथों, पर एक भी ट्वीट नहीं, ना ही प्रियंका वाड्रा का, ना ही सोनिया एंटोनियो का, ना ही राहुल गांधी जो भारत में फलस्तीन और हमास की हिमायत में बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। देश दुनिया आश्चर्य थी कि राहुल गांधी जी, मतलब एक होता है ना कि ठीक है एक भी ट्वीट कर दो, पर उन्होंने वो भी नहीं किया। जब बांग्लादेश के पत्रकार ने बैठ करके इस बात का खुलासा किया कि खालिदा जिया के बेटे के साथ मिल करके राहुल गांधी ने क्या साजिशें रची हैं, आज वो समझ में आ रहा है। साजिश सिर्फ इतनी नहीं थी कि शेख हसीना को शहर बदर देश बदर कर दिया जाए, उसके सर से छत छीन ली जाए, साजिश सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि बांग्लादेश का तख्ता पलट दिया जाए,
और साजिश सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि ओबामा के पॉकेट में रहने वाले एक चिलगोदे मोहम्मद यूनुस को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। साजिश सिर्फ इतनी भी नहीं थी कि कोटे के लिए एक जिहादी प्रदर्शन छात्र आंदोलन करवाया जाए। साजिश थी कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज हिंदूज को खत्म कर दिया जाए। वो हिंदूज जो 1971 में जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से कट करके जब बांग्लादेश बना था उस वक्त 23.9% हिंदूज हुआ करते थे और सबको मिला करके 28.9% माइनॉरिटीज थे, जो लास्ट ईयर 2023 तक में 8% रह गए थे और आज अभी का आंकड़ा अगर दिया जाए तो 7% से भी कम रहे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया राय खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने खुल के मजहब के ठेकेदारों से लेके राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।